था रूम रानी किस से। हाँ रानी किस से। एंड्रॉइड भी मेरे पास फुल गारंटी में आते हैं, और जो मेरे पास स्टार्टिंग है वो 6800 से एंड्रॉइड की स्टार्टिंग होती है 9 इंच में। पूरा इरादा है बिल्कुल दूर बनाने का, इसीलिए इतनी दूर से यहाँ आए हुए। और अगर फैमिली में कस्टमर हमसे क्या उम्मीद लेकर आए, तो बस बहुत ये होता है कि कस्टमर खुश होकर जाए, हमारी बस ये कोशिश होती है चाहे कैसा भी कस्टमर। पंतनगर से जी, मैं डॉन नहीं कहूँगा इनको, बाहर इनके काम से इनको दुनिया पहचानती है, एरिया पहचानता है। पंतनगर से लेके रानीखेत पूरी मार्केट छोड़ के भैया के पास लोग काम कराने के आते हैं। इनके हाथों में इतनी सफाई है और काम को बड़ा तसल्ली के साथ किया जाता है। गाड़ी आप कैसी भी लेके आए, आज के लड़कों के अंदर एक सोच होती है कि हम गाड़ी सेकेंड लें, मगर उसके अंदर जो इंटीरियर या अला व्हील वगैरह जो भी सजावट करानी है, डेकोरेट कराना है, वो कहाँ कराया जाए। तो इससे बेहतर ऑप्शन कोई नहीं होगा कि RS में ऐसा क्या जादू करते हैं कि लोग आपके पास भाग के चले आते हैं। जादू क्या करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आपका बिजनेस करने का मेथड क्या है। जादू देखिए, आपके पास कस्टमर बड़ा उम्मीद लेकर आता है जी, उसने एक ही बार गाड़ी में काम कराना होता है, हमारा रोज़ का टारगेट होता है जी। तो रीज़न ये होता है, कस्टमर जब हमारे पास आता है, जब उसको देखते हैं यार, फेस करते हैं, बंदा बड़ा ट्रस्ट करके आ रहा है, तो हम उसे अपना बना के काम करते हैं जी। और हमारी फीलिंग्स ये होती है कि वो उसकी गाड़ी नहीं होती, हमारी गाड़ी होती है, जिसके लिए हम उसे अच्छा फुल बैकअप देते हैं। इट मीन्स ये हो गया यार, अगर देखिए गाड़ी में आपने काम कराना, कार में, तो मे भी मान लीजिए नई गाड़ी में 20+ में पैसा लगता है, 20,000, 30,000, 40,000, एनीथिंग कितना भी लगता है, हर बंदा अपने बजट के अकॉर्डिंग लगाता है। लेकिन हमारा स्ट्रॉन्ग बैकअप ये रहता है कि जितना भी हम उसका इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके पीछे फुल स्ट्रॉन्ग बैकअप देते हैं, कस्टमर को इतना सेटिस्फाइड करके भेजते हैं कि अगर आप कहीं भी टेंशन मत लेना, कोई भी इशू हो तो हम बैठे हैं। क्योंकि हमारे स्ट्रॉन्ग बैकअप है, आपकी गाड़ी में अगर हम सिस्टम लगा रहे हैं तो फुल गारंटी पीरियड में वर्क करते हैं, वारंटी नहीं, हम किसी को वारंटी देते ये पॉइंट है। ये पॉइंट कौन सा है, वो जो जज साहब कहते हैं ना, बगील साहब कहते हैं मिलोइड, तो ये है पॉइंट है, वारंटी नहीं, ओनली गारंटी, स्ट्रॉन्ग बैकअप। ये काम कराने का यहाँ जो आपको प्रॉफिट मिलेगा ना, बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि आप अगर हमारे माध्यम से यहाँ पर आते हैं, तो आपको जगह सही होना चाहिए, है नहीं भैया? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी जगह आप हमारे माध्यम से ना जाए जहाँ पर आपकी जेब पे फर्क पड़े, कम पैसों में और सही काम सिर्फ RS इंटरप्राइजेज पे होता है, बाकी पूरे हरीश कापड़ी। सर कहाँ से बिलोंग करते हैं? पंतनगर से। पंतनगर से, तो गाड़ी में आपने काम कराया जी? कितना समय हो गया आपको? करीब एक साल हो गया। एक साल हो गया जी। भैया का जो रिस्पॉन्स है वो कैसा? बहुत अच्छा है। और प्राइस में? प्राइस में भी सबसे अच्छा है, हम लोग और लोगों को भी रिकमेंड करते हैं कि यहाँ से, अगर प्राइस अच्छी नहीं तो आप वहाँ से आने। हाँ वो तो है, फिर आप हजलवा नहीं जाते, पूरी मार्केट छोड़ के यहाँ आए हैं। आपके रिस्पॉन्स को देखिए, कस्टमर दूसरा के कहीं और जाता हूँ। एक्चुअली रीज़न ये ना, कस्टमर मन में जो लेकर आता है उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, कस्टमर के बजट के अकॉर्डिंग हम चाहते हैं उसे ब्रांड दें, कम से कम बजट में भी ब्रांड दें, ज़्यादा से ज़्यादा बजट में ब्रांड दें। देखिए जी, जिसका बजट ज़्यादा होता है उसे तो सारी गाइडनेस होती है कि मुझे क्या ब्रांड लगाना है, वो पूरा सर्च मार कर आता है। लेकिन जिनका कम बजट होता है, उन्हें बस ये होता है कि मेरी गाड़ी तैयार हो जाए, और वो गाड़ी उसके कम बजट में तैयार हो जाए, उससे बस उसकी गाड़ी उसके मन मुताबिक हो जाए, सेटिस्फेक्शन हो जाए जी जी। और हमें वो यार दोस्तों में निकलता है तो पूछते हैं यार भाई कहाँ कर रहा है। बस बस, एक्चुअली आप देखिए, कम बजट वाले जो होते हैं उन्हें ज़्यादा गाइडेंस नहीं होती कि सिस्टम क्या लगाना है, स्पीकर्स क्या लगाने हैं, क्या लगाने हैं। लेकिन हम जो होते हैं उनके बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी चीज़ें सजेस्ट कर देते हैं जी जी। तो इस हमारे इसीलिए जो है, हमारे पास सारे ब्रांड्स होते हैं, आप निपॉन से लेकर मेरे पास हारमन की सारी सीरीज़, DD, कापा और फोकल, जितने अवतार, काफ़ी अच्छे ब्रांड्स जो आते हैं, सब मेरे पास अवेलेबल होते हैं। चाहे आप एंड्रॉइड्स में लीजिए, चाहे आप स्पीकर्स में लीजिए, एंड्रॉइड भी मेरे पास फुल गारंटी में आते हैं। और जो मेरे पास स्टार्टिंग है वो 6800 से एंड्रॉइड की स्टार्टिंग होती है 9 इंच में। अच्छा। हाँ, और मेरे पास 32,000 के काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस होल्डर होंगे, बिल्कुल परफेक्ट हैं। एक्चुअली स्टाफ को हम पूरा सपोर्ट करते हैं, और स्टाफ को हम ये कहते हैं कि अपनी गाड़ी समझ के काम करो, कस्टमर की गाड़ी नहीं। आप ये समझ लो, जिनके आप जॉब कर रहे हो ये गाड़ी उनकी है जी जी। तो बस वो फिर मन लगा के काम करते हैं, उन्हें भी हम पूरा सपोर्ट करते हैं, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कस्टमर को यहाँ से क्या पसंद आता है? सबसे ज़्यादा कस्टमर को क्या पसंद आता है, सबसे ज़्यादा तो बस कम बजट बिजनेस। देखिए सबसे ज़्यादा तो कस्टमर को एक ही चीज़ पसंद होती है, सामने जिसके साथ हम जा रहे हैं उसका बिहेवियर, कि उसे बंदा गाइड कैसे कर रहा है। कई बातें जो होती हैं कस्टमर हमसे खुल के नहीं कह पाता, बजट के अकॉर्डिंग यार मेरा बजट इतना नहीं है, कई बातें नहीं खुल के कह पाता, तो हमें समझना पड़ता है अपने कस्टमर को कि कस्टमर हमसे क्या उम्मीद लेकर आया। तो बस बहुत ये होता है कि कस्टमर खुश होकर जाए, हमारी बस ये कोशिश होती है चाहे कैसा भी कस्टमर हो। गाड़ी के अंदर मेन चीज़
मेन जो पार्ट्स है जैसे व्हील हो गया, स्टेयरिंग हो गया, या मतलब कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं जो आपको मतलब मार्केट से परचेस करके कस्टमर की गाड़ी में लगाने पड़ते हैं? मार्केट से ऑल इन वन ए टू जेड ऑल इन वन सारा हमारा सारा ही जी सारा हमारा कोई भी मार्केट भागने की जरूरत नहीं हमें किसी चीज़ मतलब गाड़ी लाके यहाँ सिर्फ खड़ी करनी है। आपने देखा होगा यहाँ पे मार्केट कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी, लेकिन मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ इस लाइन में, बिल्कुल इस मेरे पास सारी चीज़ें अरेंज रहती हैं, मुझे किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। जी जी, और कस्टमर इसी बात से सेटिस्फाइड होता है कि मुझे सारी चीज़ें यहीं मिल जाएंगी, मुझे कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। बस कस्टमर को अपना पॉकेट बजट बताना है, बस बस इस बजट में मेरी गाड़ी तैयार कर, बस बस उसी हिसाब से आपको एक रास्ता बताया जाएगा और उस रास्ते पर चलने के लिए आपको कहा जाएगा, आप चलेंगे तो मोस्ट वेलकम, और आप नहीं चलेंगे यू लाइक है नहीं भैया यही हुआ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ज़्यादा पैसा लगा के तो आप कहीं पे भी हीरोइन अपने साथ खड़ी कर सकते हैं, मैं कम बजट में एक नई नवेली दुल्हन आपको रानी के साथ काम कैसा लगा? काम दादा अभी तो हम करवाने लेके आए हैं गाड़ी भी, तो काम हो रहा है अभी, अभी तो काम काफ़ी अच्छा लग कर रहे हैं दादा। रानी खेत से आप हाँ दादा यहाँ से रानी खेत कितना होगा? रानी खेत यहाँ से है अराउंड 100 क्या काम कराने के लिए करवा रहे भी काम, बाकी गाड़ी का काम चल रहा है अच्छे से कर रहे हैं, हाँ अच्छे से कर रहे हैं, बढ़िया से कर रहे हैं। अभी मैटिंग एक तो फ्लोर मैटिंग हो गई जी जी, ठीक है, डोर वाइजर हो गए ठीक है, और सीट कवर हो गए ठीक है, और साइड से रेन वाइजर हो गए वो चीज़ें, कवर वगैरह जो पीछे बैक कवर होते लाइट का वो चीज़ लग रहा है, ये बाकी चीज़ है। पूरा इरादा है बिल्कुल दुल्हन बनाने का, इसीलिए इतनी दूर से यहाँ आए हुए। और अगर फैमिली तो और जब हम गाड़ी में पैसा दिल से लगाते हैं तो हमारा जो एक थिंक्स होती है वो ये होती है कि हम जिधर को निकलें चार बंदे यार देखें हर गाड़ी में काम तो अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी एक इमेज जुड़ी होती है आपकी गाड़ी के साथ, आपकी गाड़ी में वर्किंग होती है चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, लेकिन सामने वाला रेफरेंस जरूर लेता है जी जी, कि अगर आपने गलत कराया तो कहाँ से कराया, अच्छा कराया तो कहाँ से कराया, बस वही गुडविल होती है। गुडविल, और उसी गुडविल के ऊपर काम किया जाता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है वो बनती है फिर मार्केट में जब आप चर्चा में आते हैं, उसके बाद आप कोई भी काम ऐसा नहीं कर सकते जिससे आपकी जो मतलब एक लेवल है ना जो आपका ग्राफ चल रहा है वो नीचे को आए। टाइमिंग भैया लेते हैं, उसी टाइमिंग के अंदर गाड़ी आपकी तैयार आपको दी। बिल्कुल, जैसे किसी व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में काफ़ी सारा काम कराना है तो उसमें मिनिमम कितने घंटे लग जाते हैं, जैसे अगर बंदा छोड़ के चला जाए? देखिए मे भी होता है कि दो तीन दिन के बाद देते हैं, ये रह गया वो रह गया। मे बी हम बहुत ज़्यादा ही टाइम पीरियड, जैसे अभी मेरे पास एक बदायूं से गाड़ी आई थी, बदायूं से यस यूपी से उत्तराखंड के अंदर गाड़ी आई और वो भी रिफ्रेंस ही आई थी, क्रेटा थी उनकी बेस मॉडल जिन्हें कि मैंने फुल टॉप बनाया था। मे बी मुझे सुबह से शाम तक लग गया था, लेकिन अगर उसकी अगर आपको वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल पर है ठीक है, बाकी मैंने आपको रेफरेंस दिया RS इंटरप्राइज, ये भैया का खुद चैनल है, यूट्यूबर है यार, हल्के मतलब में एक काम से जिंदगी नहीं करती, जिंदगी सीखने का नाम है भैया। बिल्कुल, हर जगह सीखना होता है, सीखा जा सीख लो भाई, जिंदगी सीखने का नाम। आप सोचोगे मैंने सिर्फ एक ही काम पकड़ लिया इसी में जिंदगी काटनी, बिल्कुल नहीं, जिंदगी की सीखने का नाम है। और सनी भैया सीखो कि ये अपनी जिंदगी को किस तरह से जिए, मस्त आदमी है, बिंदास आदमी है। मैंने फर्स्ट बार कॉल की थी भैया ने, मुझसे कहा बिल्कुल आ जाइए, वेलकम है आपका। दिल मिजाज है, आशिक मिजाज तो मैं नहीं कह सकता, दिल मिजाज ही कह सकता हूँ, शादी तो रखी है ना। हाँ मेरी हाँ, शादी और रखी, गलत भी हमें लेकर मत जाना इसको। बाकी मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में भैया के साथ में कुछ दिनों के बाद। आपको भैया के नंबर, भैया की मेल, भैया का एड्रेस जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बाकी स्क्रीन पे भैया के नंबर आपको मिल जाएंगे। भैया बाकी अपना एड्रेस दे दो, यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर किच्छा की साइड से व्यक्ति आता है या फिर आपका बिलासपुर रामपुर से आता है व्यक्ति, तो फिर रूट तो ये दो ही होगा, इंद्रचौरा से ही होगा। देखिए जो ये रूट है ये सबसे मेन रूट है, क्योंकि रुद्रपुर में ज़्यादातर जो फेमस शोरूम्स हैं कार्स के, जैसे कि आपका मारुति सुजुकी हो गया, एरिना, दूसरा नेक्सा हो गया, होंडई हो गया, महिंद्रा हो गया, होंडा हो गया, टाटा हो गया, सारा इसी रोड पर शोरूम्स हैं, तो रोड ऑलरेडी फेमस है हमारी। और ये बाईपास है रोडवेज से किच्छा वाला, यस यस यस, बाईपास है रोडवेज से किच्छा वाला। अगर आपको हल्द्वानी की साइड से आते हैं तो रोड वे से आपने लेफ्ट साइड में को कट लेना, आप सीधे चले गए तो आप इंद्रा चौराहे पहुँचे, वहाँ नहीं, वहाँ से आपने लेफ्ट साइड में कट लेना है। आप बिलासपुर की साइड से आते हैं या काशीपुर की साइड से आते हैं तो सीधा आपने चौराहे पार करना किच्छा वाला, और आप बिलासपुर की साइड से आते हैं तो आपने वहाँ से राइट साइड में कट लेना है। इंद्रा चौराहे से पूरा यहाँ 2.5 किलोमीटर पड़ेगा, ये टी पॉइंट है, और सबसे अच्छा जो नियर बाई है वो मेडिसिटी हॉस्पिटल, मेडिसिटी हॉस्पिटल फेमस जगह रुद्रपुर के अंदर। अगर आपने कहीं पे मेडिसिटी हॉस्पिटल यहाँ पर आ गए, भैया के इसी नंबर पर कॉल कीजिए और भैया आपको यहाँ पे आ जाएंगे। जरूर,
बने रहे हमारे साथ और देखते रहे अबूजर कार ब्लॉग को, और भैया का RS इंटरप्राइजेस को जरूर मतलब सब्सक्राइब करें और उसको देखें, आपको एक से बेहतरीन वीडियो मिले। ओके।